हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू, आज देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो देखिए गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड, मैंने 500 ग्राम गोभी को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के लिया है। साथ में मैंने दो आलू मीडियम साइज का, उसको भी अच्छे से छील के और इस तरह से पीस में काट के लिया है। और दो प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइसेस में काट के लिया है। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, तेल मेरा गरम हो चुका है। तो हम सरसों का तेल डाले हैं, आपको जो भी तेल पसंद हो वो तेल डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। तो अब सीधे पहले हम गोभी को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर पहले गोभी को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए गोभी में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के गोभी को हम फ्राई कर ले रहे हैं उलट पुलट के। 1 से 2 मिनट में गोभी अच्छे से फ्राई हो जाता है फ्रेंड। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब इस तरह से आप गोभी को फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत सब टेस्टी सब्ज़ी लगती है खाने में। बनाना बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हम गोभी को फ्राई करके निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गोभी मेरा फ्राई हो चुका है। ये देखिए गोभी को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो सेम तेल में मैं आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्लेम को अभी मैंने मीडियम रखा है फ्रेंड, मीडियम फ्लेम पे आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आलू को मैंने बॉईल करके नहीं लिया है, कच्चा ही आलू लिया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैं थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ, हल्दी और मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। और इसको हम ढक के फ्रेंड 5 मिनट हम पकाएंगे आलू को। तो इससे क्या होगा कि आलू भी सॉफ्ट हो जाएगा और फ्राई भी अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए ढक के 5 मिनट मैंने पकाया है आलू, देखिए हल्का सॉफ्ट हो चुका है। देखिए फिर आलू भी हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको भी आलू को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को भी हम प्लेट में निकाल लिए हैं फ्रेंड। तो हम इस सेम कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डाल दे रहे हैं 2-3 चम्मच। तो देखिए फ्रेंड मैंने कुछ खड़ा गड़ा मसाला लिया है। तो एक लिया है मैंने सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पात, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा जावित्री। तो आपके जब पास जो भी खड़े गरम मसाला हो वो ले सकते हैं। तो खड़े गरम मसाला डाल के बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है ये गोभी की सब्ज़ी। तो साथ में देखिए मेरे मसाले चटक चुके हैं। तो हमने प्याज जो बारीक काट के रखा था वो प्याज डाल दे रहे हैं। तो प्याज को हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो प्याज होता है ना वो गोल्डन ब्राउन फ्राई किया हुआ बहुत टेस्टी लगता है सब्ज़ी में। तो देखिए प्याज मेरा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, साथ में 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं और 1/2 चम्मच के करीब हमने गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड। और साथ में हम नमक डाल दिए हैं और हम 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देते हैं।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं फ्रेंड, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मेरे मसाले जो हैं वो जले ना। देखिए थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने कि ताकि मसाले जले नहीं, और इसको भी हम उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मसाले को। देखिए मसाले से मेरा तेल छोड़ने लगा है, मसाला अच्छा से फ्राई हो चुका है। तो हम एक बारीक काट के टमाटर लिए थे वो टमाटर डाल दिए हैं, और साथ में मैंने आधा कटोरी मटर डाला है। आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, और इसको भी हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो गया है, मेरे मसाले और प्याज जो अच्छे से भून गए हैं। तो मैंने जो आलू और गोभी को फ्राई करके लिया था वो डाल दिए हैं, और इसको भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। जब तक तो सब्ज़ी की अच्छी से भुनाई नहीं होगी फ्रेंड, तो सब्ज़ी खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो इसको हम ढक के क्या करते हैं ना, 5 मिनट पकाते हैं। तो देखिए फ्रेंड 5 मिनट हो गया है, तो आलू गोभी मेरे एकदम बहुत अच्छे से देखिए एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं, और अच्छे से भून भी गए। इस तरह से ढक ढक के भूनने से बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी खाने में। तो देखिए 5 मिनट और भून लिए हैं, तो मेरी सब्ज़ी अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं फ्रेंड, जैसा आपको पसंद हो। तो ये सब्ज़ी रोटी चावल पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाएं बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है, तो अब इसको भी हम ढक के 5 मिनट पका लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए 5 मिनट हो गया है। तो इस तरह से मैंने कुल 15 मिनट सब्ज़ी को पकाया है 5-5 मिनट ढक ढक के। तो देखिए एकदम मेरे बहुत अच्छे सब्ज़ी बन के रेडी हो गए हैं। तो देखिए आलू भी मेरा एकदम सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड। तो आई होप आप लोगों को ये तड़ी वाले गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद आएगी फ्रेंड। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्रेवी, इसी तरह का ग्रेवी मुझे चाहिए था। देखिए बनाना कितना सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरा रेडी हो गया है, तो मैंने बारीक हरा धनिया काट के डाल दिया है सब्ज़ी में। तो अब मिला देते हैं धनिया को डाल के। तो फ्रेंड अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने से देखिए और भी अच्छा कलर आएगा सब्ज़ी का एकदम। देखिए कितना अच्छा मेरा प्यारा सा सब्ज़ी का कलर आया फ्रेंड। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सब्ज़ी जरूर पसंद आएगी।